ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजकीय महाविद्यालय नूरपुर में चल रही दो दिवसीय महिला जुडो चैंपियनशिप का समापन हो गया है। समापन समारोह पर इसी महाविद्यालय से सेवानिवृत्त प्राचार्य अरविंद पठानिया ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस प्रतियोगिता में प्रदेश भर से 20 कॉलेज की 87 महिला प्रतिभागियों ने भाग लिया। राजकीय महाविद्यालय नूरपुर में चल रही दो दिवसीय महिला जूडो चैंपियनशिप का समापन हो गया। समापन समारोह पर इसी महाविद्यालय से सेवानिवृत्त प्राचार्य अरविंद पठानिया ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस प्रतियोगिता में प्रदेश भर से 20 कॉलेज की 87 महिला प्रतिभागी ने भाग लिया। दो दिन तक चली इस प्रतियोगिता में RKMB कॉलेज शिमला ओवरऑल चैंपियन रहा, जिसने 15 अंकों के साथ पहला स्थान प्राप्त किया। दूसरे नंबर पर 13 अंकों के साथ संयुक्त रूप से MLSM सुंदरनगर और राजकीय महाविद्यालय कोटशेरा रहे। वही तीसरे स्थान पर स्थानीय महाविद्यालय नूरपुर रहा, जिसने 10 अंक प्राप्त कर तीसरा स्थान हासिल किया। मुख्य अतिथि अरविंद पठानिया ने विभिन्न वर्ग में पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर आने वाली इन महिला खिलाड़ियों को सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि ये पहला अवसर है जहां नूरपुर कॉलेज में पहली बार किसी इंटर कॉलेज चैंपियनशिप का आयोजन हुआ हो, जिसके लिए उन्होंने महाविद्यालय की प्राचार्य अरुणा शर्मा को बधाई दी। वहीं उन्होंने कहा कि इस तरह की प्रतियोगिता का आने वाले समय में भी आयोजन होता रहेगा, जिससे क्षेत्र में और खिलाड़ियों में खेलों के प्रति जागरूकता बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बेटियों में किसी भी क्षमता की कमी नहीं है, बस उन्हें सही दिशा और सही मार्गदर्शन करने की जरूरत है। ये जो आज HP यूनिवर्सिटी की वुमेन की जूनियर चैंपियनशिप हुई है, ये इस कॉलेज में अपनी तरह की पहली शुरुआत है और ये प्रिंसिपल मैडम अरुणा शर्मा जी के नेतृत्व में स्टाफ की मदद से बहुत बढ़िया कार्यक्रम रहा, बहुत अच्छा सफल हुआ और ये आने वाले टाइम के लिए ऐसा होगा कि और चैंपियनशिप्स यह हर साल हुआ करेंगी, जिससे कि यहाँ के बच्चों को भी प्रोत्साहन मिलेगा और वो भी गेम्स में ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे, स्पेशली गर्ल स्टूडेंट्स जिन्होंने यहाँ पर बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और इस क्षेत्र की लड़कियों में पोटेंशियल है, बस उनको एक दिशा देने की ज़रूरत है, जो कि इस चैंपियनशिप से बहुत अच्छी तरह से मैसेज जाएगा और बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करेंगे।